बहुत दिनों बाद बायोडाइवर्सिटी, आप लोग को बस यहाँ कपल ही दिखेगा, हम लोग पागल हैं। ए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आज देखिए दोपहर में निकल रहे हैं, दोपहर का 1 बज गया। और वैसे भी आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, कहे कि बीच बीच में नहीं करने से ना कभी कभी आइडिया नहीं आता है कि क्या बोले। टॉम भैया लोग पहुंच गया है और आशीष तो कहीं गया हुआ है कुछ काम से, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे शाम में मिलने का, अगर टाइम हो पाता है तो मिलेंगे, नहीं तो फिर दूसरा दिन। अभी तो वैसे दिवाली और छठ का छुट्टी चल ही रहा है तो बीच में कभी मिलेंगे शाम में। वैसे तो घूमना तो संडे को ही हो सकता है, डेली डेली तो नहीं, बस वीक में एक दिन कहीं कहीं घूमना चाहिए। कहे कि पूरा सप्ताह काम करो फिर एक दिन ना घूमो तो फिर मज़ा नहीं आता है। डेली घर में बंद रहना भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसीलिए आज प्लान बनाए थे लेकिन अचानक से उसका कुछ काम पड़ गया। अरे ये मेरा घर का रास्ता, इससे तो मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या करें, अब इसी में ज़िंदगी कटेगा। फाइनली मेन रोड पहुंच चुके हैं और पता नहीं भैया लोग कहां पर है, कॉल किया था, बोला कि पेट्रोल पंप के पास हैं और मेरा में फ्यूल भी कम है तो फ्यूलअप भी कराना होगा, तो पहले फ्यूलअप कराएंगे उसके बाद देखते हैं कहां पर है। बाप रे, यही लोगों का लग रहा है, पूरा हीरो जैसे खड़ा है। फ्यूल अप कराते हैं पहले, इसके बाद ही दो सौ का दीजिएगा। हाँ तो फ्यूल अप हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। बाप रे, लगते हैं भी अभी गाड़ी में आया गाइस, सर हम आए हैं स्कूटी में, क्या होएगा। ज़्यादा वेट करवा दिए, ज़्यादा वेट करा दिए, कैसे हैं? चलिए तब तो हम लोग अब निकल चुके हैं, बस तीन कोई ही, मेरा तो स्कूटी है और बाकी पीछे पता नहीं भैया का कोई दोस्त आया है, वो लोग बाइक लेकर आया है तो हम भी आ गए, हम ही स्कूटी में हम ही लीड कर रहे हैं तो क्या ही बोल सकते हैं, आराम से चलेंगे, होले होले कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे इलेक्शन सब भी चल रहा है तो चेकिंग वेकिंग भी कहीं कहीं बीच बीच में चल रहा है, तो सबको ध्यान में रखते हुए, कहे कि आचार संहिता लागू हो चुका है, अभी जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक तभी मामू लोग पूरा रोल में रहेगा, तो सबको भी ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले क्या नहीं, तो वो सब थोड़ा बहुत अगर गलती मिस्टेक हो जाए तो वो सबको मैनेज कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट चलते हैं, और कहाँ अभी वैसे कोई प्लान भी नहीं है और
क्या बताएं, बिना प्लानिंग के निकले हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं और क्या सब करेंगे, वो सारा चीज़ आप लोग को ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो ब्लॉग को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और पिछला जो एक दो वीडियो में आप लोगों का प्यार काफ़ी अच्छा रहा, तो उसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। धीरे धीरे आप लोग का प्यार सपोर्ट थोड़ा कम हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम लोग को भी अच्छा लगे। कमेंट उमेंट कीजिएगा तो हम लोग को मतलब क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ और थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे। बहुत दिनों बाद ऐसे निकले, मज़ा आ गया। हम और आशीष कब से प्लान कर रहे थे कि चलो जाएंगे कहीं थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, तो आज प्लान किए तो फिर वही कहाँ चला गया। क्योंकि एक बंदा नहीं जाता है ना ग्रुप का तो अच्छा नहीं लगता है, बट आज तो जा रहे हैं, उसको छोड़ के क्या करेंगे। अभी तो हम अकेले सिंगल, वैसे भी सिंगल में भगाने मज़ा आता है। ओ चचा जय खौका। गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा सादरी में भी ब्लॉग बनाया जाए, एक आठ ट्राई। कमेंट करके अगर आप लोग चाहते हैं कि सादरी में भी ब्लॉग बनाए तो कमेंट कीजिएगा, अगर कमेंट आया तो फिर ज़रूर बनाएंगे। यहाँ तो डरे लगता है, इतना भयानक पूरा कर्व है ना, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। यहाँ रोड भी ऐसा है कि काय तेरी गड्ढा भी नहीं पता चलता, ब्लैक ब्लैक सब चीज़ ब्लैक। आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा मामा लोग पूरा भयानक टाइप से बैरिकेडिंग भी इतना भयानक किया है ना, कोई भाग ही नहीं सकता। और यहाँ क्या बन गया, इतना इतना गाड़ी, कोई ठेकेदार का गाड़ी होगा। ये रोड में गाड़ी चलती है बहुत भयानक। ए रोड दे, रोड देख के आजादी पार हो जाता है, इधर उधर देखता भी नहीं। और एक तो रोड वैसे बिजी, और इंसान लोग इतना लापरवाही करेगा तो कैसे। एक नाका यहाँ लगा हुआ है, देखिए कैसे चोर भाग जाएगा उसके बाद। हलवा है क्या, इतना आसानी से चोर भाग जाएगा, कोई सीन ही नहीं है। हम लोग पहुँच चुके हैं बायोडाइवर्सिटी, कहाँ हो रहा है सोहराई जतरा लग रहा है, इधर जतरा है आज सोहराई जतरा। यहाँ जतरा लग रहा है गाइस, लग रहा है सही दिन में आए हैं, अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ आज शाम में यहाँ ऑर्केस्ट्रा है लग रहा है। बहुत दिनों बाद बायोडाइवर्सिटी, लगभग एक साल डेढ़ साल हो रहा है उसके बहुत दिनों बाद। देखते हैं क्या क्या कुछ नया है बायोडाइवर्सिटी में। वैसे तो ये कपल लोग के लिए है, बट हम लोग मतलब लड़का लड़का पहुंच चुके हैं बायोडाइवर्सिटी। अरे ठोकर ऊकर था चाचा, यहाँ ठोकर, अचानक से ठोकर आ जाएगा तो दिक्कत है। आप लोग को बस यहाँ कपल ही दिखेगा, हम लोग पागल हैं। देखो रास्ते में भी बायोडाइवर्सिटी, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो पेड़ पौधा है ये सब है वो सब का ये है, लेकिन यहाँ तो अब कपल लोग आके थोड़ा सा इसको बदनाम कर दिया है। ले कहाँ ये लोग अटक गया है।
2000 years later. गाइस तो अब घूमना फिरना हो गया सब, अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर और देख सकते हैं इधर सनसेट कितना मस्त गोल्डन गोल्डन एकदम मस्त हो रहा पूरा मस्त लग रहा है, देख रहे हैं ना पूरा अभी सनसेट होने को है तो पूरा गोल्डन व्यू चेक करो क्या मस्त लग रहा है ना। अभी हम लोग चलते हैं घर की ओर, आप थोड़ा बहुत मस्ती हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ बट हुआ कुछ तो हुआ। टोन को आराम से चलते हैं, तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।